Dear students, just I am going to teach you biology for class 8. In biology, today I will teach you the two topics of the chapter microorganism, friends and foes. The first topic is viruses are unique, and second topic is where do microorganisms live. The first topic, viruses are unique. Viruses are unique. Just I have told you, they can show the characteristics of both living organism and non-living things. It means that जो viruses हैं, जो विषाणु हैं, वो सजीवों और निर्जीव वस्तुओं दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं. When they are floating in air or settled on a door knob, they are non-living, like say salt and sugar. Means जब ये viruses हवा में तैरते हैं या दरवाजे के नॉब पर बैठे रहते हैं तो वह नॉन लिविंग थिंग की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि सॉल्ट और शुगर. इन फैक्ट दे कैन बी क्रिस्टलाइज एंड स्टोर्ड इन जार्स फॉर ईयर्स. जैसे नमक और चीनी को हम लोग सालों भर बंद जार में रख सकते हैं, उसी प्रकार इन वायरस या विषाणुओं को भी हम बंद करके जारों में रख सकते हैं. However, when they come in contact with suitable plants, animals, bacteria, they can show the characteristics of the living organism. यानि ये जब विषाणु जैसे ही किसी living वस्तु के संपर्क में आते हैं, और वो लिविंग वस्तु कोई भी प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया हो सकता है, तो वह अपने सजीवों की तरफ गुण दर्शाने लगते हैं. दे इन्फेक्ट द सेल, वो कोशिका को संक्रमित कर देते हैं, एंड क्विकली मल्टीप्लाई इनसाइड इट, और तेज़ी से उस लिविंग थिंग के अंदर अपनी संख्या को बढ़ाने लगते हैं. वायरसेज आर देयरफॉर रिगार्डेड एज बीइंग ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. मतलब कि वायरसेस अब लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच का बॉर्डर लाइन कहे जाते हैं. अब हम आते हैं सेकेंड टॉपिक पर. नेम ऑफ द सेकेंड टॉपिक इज वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज लिव. माइक्रो ऑर्गेनिज आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट. मैंने ये इन्वायरमेंट सभी तरह के वातावरण में ये सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं. दैट में बी द आइस कोल्ड वाटर, वो बर्फीला ठंडा पानी भी हो सकता है. इन हॉट स्प्रिंग्स, गर्म स्प्रिंग भी हो सकता है. इन ड्राई सूखा क्षेत्र, मार्सी और स्लाइन एरियाज, वो दलदली और नमकीय एरिया भी हो सकता है. सम ऑफ देम नीड ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ while others do not. कुछ सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन की ज़रूरत हो सकती है, कुछ की ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं भी हो सकती है. दे आर फाउंड इन सॉइल, ऑन द ओशियन फ्लोर, हाई इन एटमोसफियर एंड डीप इन साइड द रॉक्स विद इन द अर्थ क्रस्ट. मतलब ये मिट्टी में, समुद्र के फर्श में, हाई एटमोसफियर में और डीप चट्टानों में भी ये अर्थक्रस्ट के पाए जा सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो फाउंड इन ह्यूमन बॉडी एंड इन द बॉडीज ऑफ द अदर प्लांट्स एंड एनिमल. मतलब ये सूक्ष्म जीव मनुष्य के शरीरों के साथ साथ दूसरे पौधों और जानवरों में भी पाए जाते हैं. आवर माउथ, थ्रोट, नोज, एलिमेंट्री कैनाल आर ऑल इनहिबिटेड बाई ए लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज. मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जहाँ ये सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते हैं. दस माइक्रो ऑर्गेनिज
आर फाउंड एवरीवेयर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ईश्वर पूरे ब्रह्मांड सब जगह पाया जाता है, वैसे ही ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी जगह पाए जाते हैं। अब द नेक्स्ट टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ द ऑकरेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर समटाइम्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट आता है एक्सट्रीमोफिल्स, सेकेंड हाइपोथर्मोफिल्स, हाइपोलिथ्स, क्रायोफिल्स। फर्स्ट अबाउट द एक्सट्रीमोफिल्स, दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हैव एडाप्टेड देमसेल्व्स सो दैट दे कैन सर्वाइव एंड इवन थ्राइव इन कंडीशंस दैट आर नॉर्मली फॉटल टू मोस्ट लाइफ फॉर्म्स। मीन्स एक्सट्रीमोफिल्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो विषम परिस्थितियों में जहाँ जीवन जीना संभव नहीं है, वैसे जगहों पर भी ये अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं और थ्राइव, थ्राइव मीन्स दे ग्रो विग्रसली, दे वेल डेवलप इन द एडवर्स सिचुएशंस। सेकेंड हाइपोथर्मोफिल्स, दे आर ऑर्गेनिज्म दैट कैन थ्राइव एट टेम्परेचर बिटवीन 80 to 122 डिग्री सेंटीग्रेड सच एज दोज फाउंड इन हाइड्रोथर्मल सिस्टम। मीन्स हाइपरथर्मोफिल्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो जहाँ 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 122 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान पाए जाते हैं, वहाँ भी ये आसानी से ग्रो करते हैं और मोस्टली ये हाइड्रोथर्मल सिस्टम में पाए जाते हैं। थर्ड जो ग्रुप आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, हाइपोलिथ, दे आर दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इनसाइड द रॉक्स इन कोल्ड डेजर्ट, यानी कोल्ड डेजर्ट में ये चट्टानों के बीच में पाए जाते हैं। अगला जो आता है क्रायोफिल्स, क्रायोफिल्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं दे ग्रो बेटर एट टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेंटीग्रेड और लोअर्स, मतलब जहाँ टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम होता है वहाँ ये आसानी से ग्रो करते हैं एंड कॉमन इन कोल्ड सॉयल, ठंडी मिट्टी में या पोलर आइस कोल्ड ओशियन वाटर्स में भी पाए जाते हैं। इन दिस वे द वीडियो कंप्लीटेड। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स यू विल सॉल्व, देयर आर 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई आर वायरसेज कंसिडर्ड एज बींग एट द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। एंड थर्ड, नेम एट लीस्ट 4 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑकरेंस।